बीडीओ ने अबू आवास के लाभुकों का किया सत्यापन, साथ ही स्कूल का किया निरीक्षण। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्वाला कमलापुरी और आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। केतार प्रखंड के बीडीओ सावित्री कुमारी ने बुधवार को बलगढ़ पंचायत के विभिन्न गांवों में अबुआ आवास के योग्य लाभुकों के चयन को लेकर भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के क्रम में उन्होंने बलगढ़, दासीपुर, खोनहर और चेचेरिया गांव में जाकर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में अबुआ आवास के लिए आवेदन देने वाले लाभुकों के घर घर जाकर योग लाभुकों का सत्यापन किया, ताकि योग लाभुकों को ही अबुआ आवास योजना का लाभ ले सके। इसी क्रम में बीडीओ सावित्री कुमारी ने मध्य विद्यालय बलीगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के ग्राउंड में बच्चे खेलते मिले, तभी बीडीओ सावित्री कुमारी ने स्कूल में पहुंची और आठवीं कक्षा के छात्र छात्राओं से हिंदी का किताब पढ़ाने के लिए कहा, लेकिन छात्र छात्राएं किताब नहीं पढ़ सके। इसी पर बीडीओ नाराज हो गई और विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जागृति कुमारी और बीपीएम रवि कुमार बैद को कड़ी फटकार लगाई। वीडियो ने कहा कि आठवीं कक्षा के छात्रा हिंदी किताब नहीं पढ़ सके, शर्म की बात है। उन्होंने प्रधानाध्यापिका और शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हिदायत दी, जबकि बीपीएम को निरंतर विद्यालय का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहीं शिक्षकों को विद्यालय परिसर में साफ सफाई की भी नसीहत दी। मौके पर प्रखंड समन्वयक पंचायती राज राकेश कुमार, आवास कोऑर्डिनेटर अनूप कुमार, पंचायत सचिव आदित्य कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप नगवा गढ़वा, हमारे यहाँ सभी प्रकार के मिष्ठान के एसी एवं नॉन एसी काउंटर, स्टील रेलिंग, स्लाइडिंग खिड़की एवं एल्युमिनियम के सामान थोक एवं खुदरा उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अपने घर, ऑफिस एवं दुकान को सुंदर बनाने के लिए संपर्क करें।